किसी ने ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकाला है। क्या? हाँ? प्लग निकाल दिया? अरे ऐसे कैसे कोई किसी का प्लग निकाल सकता है? हाँ? दादी, आप रुकिए, हम बात करते हैं। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना? मेरी बच्ची यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मैं अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। क्या है ये? कभी मशीन बंद हो जाती, कभी प्लग। देखिए, अपने आप ये प्लग नहीं निकल सकता। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हुए इनकी नजर पड़ गई और इन्होंने मास्क और प्लग दोनों लगा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। पेशेंट की जान भी जा सकती थी। पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी बहन यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम इसे वापस अपने साथ गाजियाबाद लेके चलते हैं। चलिए आप। चलो। कहाँ है वो लड़का, वो बॉट बॉय, वो किधर? श्याम। हाँ श्याम, श्याम किधर किधर गया? वो अभी तो यही था, शायद खाना खाने गया होगा। खाना खाने गया होगा मतलब का? कैसे भेज दिया उसको खाना खाने आपने? अब एक मिनट, बोलो। मैम, मुझे तो श्याम जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया। मैडम, हम सुबह वो 5:30 बजे बहादुर शाह मार्ग पे सैर कर रहे थे, तो अचानक हमने इस लड़की को लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ा देखा। एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, घूर क्या रहे हो? लगाऊंगे ना एक थप्पड़। चीता चतुर्वेदी, थाने का सीसीटीवी फुटेज निकालो जल्दी। जी मैडम। मैडम सर, किसी ने सीसीटीवी का कनेक्शन काट दिया है। श्याम, ये बाल काटने वाला सन की आदमी और कोई नहीं, श्याम ही है। डॉक्टर साहब, ये कोमा से बाहर आ गई। देखा रवि, हम कह रहे थे ना कि हमारी पुलपुल इन सबके बीच में ही ठीक हो जाएगी। कह रहे थे ना हम। हो गए। मां, कोई पुष्पा जी को बताओ कि संतू वापस आ गई है। हमारी संतू वापस आ गई, उनके चाय के पैसे देने वाली वापस आ गई। अब वो जी भर के हमारा शिकायत कर सकती संतू से। हाँ संतू। ज़्यादा मूवमेंट मत करिए, आपको रेस्ट करना है अभी। आराम से सर। तुझे आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैडम सर, हाँ वो शाम ही है। हम जानते हैं संतोष शर्मा कि ये सब शाम ने किया है। ये कहानी शुरू हुई थी एक वर्दी वाली औरत से और अब इसका अंत भी एक वर्दी वाली औरत ही करेगी। चीता, शिवजी ये कब जीप से उतरा? अभी अभी, ये जिस तरह से दौड़ रहा है लगता है ये बाल कटू सनकी को पकड़ के रहेगा। आज पहली बार इसके अंदर का चीता जाग गया है।
सकती पुष्पा जी। हेलो चीतर, कैसे पुलिस में भर्ती हो गए? गाड़ी में बैठो, जीप छोड़कर दौड़ते हुए उसको पकड़ना है। चलो आओ। क्या करना चाह रहे थे पुष्पा जी? जल्दी गाड़ी चलाइए, उसको पकड़ना है। हाँ हाँ वही कर रहे हैं हम। करिश्मा सिंह मैडम सर, घटिया इंसान तुम्हारा गुनेगार है ना, इसको जो सजा दे सकती हो आज इसको सजा दो। और याद रखना, जितना कड़क सजा तुम इस इंसान को दोगी ना, उतना हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगा। इसने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया ना, पहुंचाओ इस इंसान को पाताल में। तो संतू जी उठिए, उठो उठिए, उठो संतू उठो, दिखाओ उसे वर्दी की ताकत, उठो उठो संतोष उठो। उठ बेटा पलपुल। ये किस लिए?
ये मेरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा तोड़ने के लिए। ये है हमारी संतू। ये कमबैक वाला मासूमियत भी लौटे हैं। हाँ भाई, अब आप खुद बताएंगे कि आपने ये सब क्यों किया या आपको करिश्मा सिंह के हवाले करें। ये वर्दी कोई भी हो, उसे पहनने के बाद हर औरत पता नहीं खुद को क्या समझने लगती है, किसी पे भी दबाव बना सकती है, अपनी मर्जी से चल सकती है। यही तो किया था उस दिन उस औरत ने, उस महिला वकील ने। मामूली से एक्सटेंड के लिए उसने सरेआम सरे बाजार मुझे बेइज्जत कर दिया। पर आपने भी तो देखा था ना, आपने देखा था ना उस दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर मुझ पर कैसे चिल्ला रही थी, शाम भीड़ हटाओ। साक्षी, वो भी तो यही करती ना। साक्षी मेरी बेटी, उसकी कंपनी में नौकरी लग रही थी और उसी कंपनी से उसे वर्दी मिलने वाली थी, और वर्दी पहन के क्या करती, यही सब करती ना, अपनी मर्जी से चलती, चाहे जहां भी वहां शादी कर लेती, पूरे समाज में मेरा इज्जत उछाल देती। इसीलिए मैंने वर्दी वाली औरतों के बाल काटने शुरू कर दिए, ताकि इस दहशत से वो डर जाए, वो वर्दी वाली नौकरी छोड़ दे और मेरा कहा माने, मैं जहां जाऊं वहां शादी करे। बस अपनी बेटी को डराने के लिए, उस वर्दी वाले नौकरी से बचाने के लिए सब मैंने किया। समस्या क्या है? सारी समस्या का जड़ ये वर्दी है। हम आओ टोपा इंसान, समस्या वर्दी का नहीं है, समस्या तुम्हारे दिमाग का है। आजकल की लड़कियां पता है कितना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं? हाँ, और देश और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। और एक तुम जो लड़कियों को अभी भी सिर्फ चूल्हा चक्की के लायक समझते हो, ये जो कचरा जो है ना, वो तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है और कहीं नहीं है। सिर्फ शादी के लिए तुम अपनी बच्ची की वर्दी छीनना चाहते हो, उसे उसकी पहचान छीनना चाहते हो। बुरा तो हमें उस बच्ची के लिए लग रहा है जिसके बदकिस्मती से तुम बाप हो। तजुर्बा कहता है हमारा कि तालाब को समंदर से उलझना नहीं चाहिए, औरत की ताकत को तुझे ललकारना नहीं चाहिए। मेरे कद से तेरा कद बना है, तू मेरा वजूद क्या हिलाएगा, अब वक्त ही तुझे तेरी औकात दिखाएगा। ले जाओ इसे। चिते नहीं, बिल यूनिवर्स में नहीं ये बाल काटेगा। काटने के लिए तुम्हारे खोपड़ी पर बाल भी तो होना चाहिए, तो पूरा सफा चट है। बुलबुल से हम रोज सुना करते थे कि आप लोगों के पास एक जादू की छड़ी है। मेरी बच्ची बुलबुल हमेशा ये कहती थी कि मैडम सर के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही हर मुश्किल काम मिनटों में हल हो जाता है। हमने इसकी बात पर कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है। और हमने वो जादू की छड़ी खुद अपनी आंखों से देख भी ली है, साथ में देखा है आप लोगों का एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम, मर मिटने का जज्बा, और कितनी भी बड़ी मुश्किल हो सामने चट्टान बन के खड़े रहने का हौसला। हमें खुशी है, अजी खुशी छोड़िए, हमें तो बहुत गर्व है कि हमारी पुलपुल एक ऐसे परिवार में है जो उसे हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। और रही बात, पता है नाम है, बोल रहे नाम बेटा, रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैं एक मिनट, हमें अब मुझे चिता चतुर्वेदी से कोई चतुर्वेदी पता है हमें, कह रहे ना हम। हाँ बेटा, अब मुझे तुम्हारी शादी के लिए चिता चतुर्वेदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहती थी ना शादी करना, तो हमें मंजूर। प्रणाम बेटा। कांग्रेस। बेटा, हम जल्दी तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे रिश्ते की बात करने के लिए। प्रणाम बाबूजी। पापा एक सेकेंड। संतु जी, आपको कुछ बोलना है पापा। बोलिए बोलिए संतु जी।
मुझे शादी नहीं करनी पापा। क्या? इसका मतलब तू इससे शादी करना नहीं चाहती? एलियन कॉमरेड्स। नहीं पापा, चीता बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। चीते बोल ना। चीते बोल। बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। जी, बाबू जी हाँ। हम वेस्ट बेस्ट फ्रेंड हैं हम। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। पिताजी अगर गलती से भी पुलपुल की शादी इससे हो जाती, तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखा दे? वैसे भी मुंह कुछ खास नहीं है दुनिया को दिखाने लायक। क्या? इसका देखिए, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही समाज और देश के लिए हमेशा ऐसे ही करते रहे। अरे बेटा पुलपुल, तुझे जब तक ये नौकरी करनी है ना, कर। इसी तरह बेटा अपने परिवार का और अपने पिता का सर हमेशा ऊंचा रखना, खुश रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चल बेटा, अब हम चलते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। इग्नोर किया। पुष्पा जी, जी जरा सबकी कैप्स लेकर आइए प्लीज। जी मैडम। इस केस की हीरो हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा और हमारी प्यारी संतु के लिए, इतना तो बनता है। पोज करो यार। चलो मेरी 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 वन। चलो चलो चलो, let's make a vlog. Come. Hi guys, yeah, man. और हम आए आज लखनऊ की सड़कों पे आपको लखनऊ की सैर कराने, और हम पहुंचे हैं अभी लखनऊ की सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट सेल्फी पॉइंट पे। So it's selfie time. क्या चल रहा है यहाँ? टाइम देखा है? ये कोई वक्त है यहाँ घूमने का? जी, हम निकलने ही वाले हैं। सर फोन? नंबर बताओ अपने पापा का। लेकिन हम पापा को बता के आए हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम झूठ बोल के तो नहीं आए। पापा को बता के आए तो अच्छी बात है, माँ बाप है, जिम्मेदारी है उनकी। जी। एक बार हम भी कंफर्म कर लें, हमारी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। नहीं, नंबर? जी 9895589। इन लोग का सब नाम पता मोहल्ला सब कुछ नोट करो जरा। हाँ जी, रतन सिंह पीआई, लाल बहादुर थाने से। जी पतिदेव, बस निकल ही रहे हैं, ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना, तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ पुष्पा जी, पैदल आएंगी ना आप, तो थोड़ा संभाल के आइएगा कि कुत्ता बहुत है, वो काट वाट लेंगे आपको। ठीक है। एक मिनट, हम पैदल क्यों आएंगे ना? जब पता है निकलने का टाइम हो गया पुष्पा जी, तो रेडी रहती ना आप। हाँ हाँ, बस समेट रहे ना, सब समेटते। चल, क्या हुआ पुष्पा जी? आपका आंख ऐसे पुलिस जीप की तरह टिमटिमा रहा है। आप फड़क रही है ना, आपके कभी फड़कती नहीं। फड़कता है, हमारा भी फड़कता है, पर इतना ओवर टाइम नहीं करता है।
अब निकलने का टाइम हो गया तो आपका आंख फड़फड़ाने लग गया। हाँ, शायद इसीलिए फड़क रहे ना, क्योंकि आप तो हवा की रफ्तार से बाइक चलाती है, पता नहीं हमारी हालत क्या होगी। भूलिए मत, अभी हम आपके सीनियर हैं। आप भूलिए मत, अभी ड्यूटी खत्म हो गई है, अभी हम आपके सीनियर हैं, हम आपकी सास हैं। आंखों का रोशनी दिखवा लीजिए, 5 मिनट बचा है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ, रखो ना, हाथ में पकड़ के क्यों खड़ी हो? वो क्या है, अब आग है, वो बता के थोड़ी ना फड़केगी कि हम अभी फड़केंगे, हम तभी फड़केंगे, नहीं ना। वैसे भी हमारे तो भागी फूट के, जब से हमारा लल्ला आपको ब्याह के घर लेके आया ना, हमारी बाई आंख फड़क रही है ना। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ना अपनी बहू को ताना मारने का, हर जगह ताना मारती रहती है। अब जल्दी कीजिए, आपके नसीब की तरह टूट फूट जाएंगे आप रास्ते में, समझ रही हैं? और देखिए पुष्पा जी, ऐसा धुआंदार बाइक चलाएंगे ना, जितना भी कचरा फंसा ना आपके हाथ में से धड़क के से बाहर आएगा। चलिए शिव जी बचाइए हमें, चलिए चलिए चलिए, हम अपना हेलमेट लेकर आते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कही क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? आई लव यू। क्या कौन बोल रहा है? फोन के इस कौन पे कौन ना मर जाए जाले, पूछते हैं कौन जान लेने के बाद। क्या बके जा रहे हो तुम? आई लव यू पुष्पी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देख लेंगे हम तुमको। देख तो मैं रहा हूँ तुमको, हर वक्त हर जगह, इस वक्त भी देख रहा हूँ। कहाँ? अरे हमें कैसे दिखाई नहीं दे रहे हो फिर? I love you, Pushpi. बस रखो फोन, रख। पुष्पा जी, हाँ, किसका फोन था? था किसी मनचले आशिक का फोन, परेशान कर रहा था हमें। आपको तो पता ही है ना, हम जैसी जवान जहान हसीन तरीन लड़की का इस दुनिया में ऐसे जीना कितना मुश्किल है। चलिए। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, एड्रेस है हमारे पास, हम बस पहुँच ही रहे। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। गोमती नगर सेल्फी पॉइंट, बहुत अर्जेंट है, जाना होगा। चलिए। सर ये गलत है, आप बेवजह ही हमें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों करती हो जिससे परेशानी हो? शांति से घर पे नहीं बैठा जाता है? अरे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप लोग यहाँ पर घूम रहे हो, अच्छा लगता है क्या? सर हमने ऐसा भी कोई काम नहीं किया जो आप इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो। हमने कौन सा कानून तोड़ दिया जो आपने हमारे पेरेंट्स को कॉल कर दिया? आप बार बार हमें लड़की होने का एहसास दिला रहे हैं, हमारे कपड़ों को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं आप। वहाँ पे लड़के भी बैठे थे लेकिन आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमसे ही क्यों? बड़े हैं, अच्छे घर के बच्चे, इस टोन में बात नहीं करते हैं, नजरें नीचे करो। लेकिन हमने गलत क्या किया? अपनी डिटेल लिखवाइए और कानूनी कार्रवाई में रुकावट मत डालिए। लेकिन जाइए, जाओ। जैन सर, जैन हसीना मलिक, आप अपनी टीम से कहिए कि इन लड़कियों को अपनी कस्टडी मिले और महिला थाने में लेके जाए, मैं आपको बाकी डिटेल देता हूँ। ये लीजिए इनका फोन। जी सर, जी मैम, जी मैम, चलिए आइए, गाड़ी में बैठिए, चलो हो गया ना, चलो चलो पहले अंदर तो बैठो। जी सर, हम जान सकते हैं क्या हुआ? अरे राउंड पर निकले थे, हमने देखा ये लड़कियां यहाँ सेल्फी रही थी, नाच गा रही थी, उड़दंग मचा रही थी, ऐसा शोभा देता है इन लड़कियों को यहाँ? कपड़े देखिए इनके, कितने छोटे छोटे पहने, और मेकअप देखिए इस उम्र में, इतना भड़कीला मेकअप लगा के रखा है। तो सर आप इन पर पब्लिक स्पेस पर शोर शराबा करने का और उसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाना चाहते? लगना तो चाहिए, आधी रात को बिना किसी मेल प्रोटेक्शन के 3 जवान लड़कियां यहाँ पर इस तरह से हुड़दंग मचाएंगी तो शांति तो भंग होगी, आसपास के रहने वालों की और आसपास से गुजरने वाले पुरुषों के संयम की भी, समझ रही है ना अब हम क्या कह रहे हैं? नहीं सर, समझने का प्रयास कर रहे हैं पर काफी दूर खड़े थे ना तो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा है करिश्मा सिंह सर, आप लड़कियों के बारे में कुछ कह रहे थे, हम शायद कुछ मिस कर दिए, क्या कह रहे थे आप? कहना क्या है, ऐसे माँ बाप जिनके संस्कृति और संस्कार भटके हुए हों उनकी लड़कियां तो भटकेंगी ही रात में। सर आज बारिश होगा का? मजाक कर रही हैं क्या आप? अरे हम कैसे बता सकते हैं बारिश होगी? नहीं नहीं सर, आप
बिना माँ बाप से मिले उनका कुंडली बता देते हैं, तो हमको लगा कि आप ये भी बता देंगे कि बारिश होगा कि नहीं होगा। अनुमान नहीं है, ये अनुभव है हमारा, और अनुभव कभी गलत नहीं होता। सर फिर अब करना क्या है? करना क्या है, इनके माँ बाप को बुलाइए, थोड़ा सा स्क्रू सबका टाइट कीजिए और इन लड़कियों को भेज दीजिए। अगर ऐसे लड़कियां सड़कों पर इतने छोटे कपड़े पहनकर हुड़दंग करेंगी तो प्रॉब्लम तो पुलिस को होगी ही ना। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मीडिया तो डिपार्टमेंट के ही बक्कल उखाड़ देगा ना। समझ रही हैं आप हम क्या कह रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छे से। जय हिंद सर। ठीक है। जय हिंद सर। क्या नाम बताया था आपने? ऐसा है करिश्मा सिंह। कड़क वर्दी तय आसानी से हो जाती है, पता होना चाहिए आपको। चलते हैं। सॉरी गाइस, हम मैड। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ हम चाहते हैं कि आपसे शेयर करें। वो लड़के देखिए, खुद को ही मैड बोल रही है। का? हम भैया का समा भी सुना हमने। मैड यानी कि हम, MAD मैड। एम माधुरी, अनु दिव्यानी। हम निकले थे ताकि आपके लिए कुछ किटकॉट वीडियो बना पाए, लेकिन यहाँ आए तो कुछ अजीब ही समझ में आया। समझ में आया कि लड़की 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, मतलब वो सेफ नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पुलिस हमें इसलिए पकड़ के लेके आई है क्योंकि हम यहाँ वीडियो बना रहे थे, जबकि यहाँ पुलिस के सामने ही 2 लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने भी वीडियो बनाया। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं टोका, उनको क्यों नहीं पकड़ कर थाने ले जाया गया? क्यों गाइस, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, हदें, सीमाएं ये हम लड़कियों के लिए क्यों है? हम तीनों का यही क्वेश्चन है कि हमारी गलती क्या है? क्या हमारा लड़की होना हमारी गलती है? प्लीज गाइस, हमें कमेंट्स में बताना। बेटा देवयानी, क्या हुआ? और उन ऑफिसर रतन सिंह जी ने तो फोन पे कहा था कि तुम सीधा घर ही आओगी। फिर ये थाने में कैसे पहुंच गए? अरे मैडम, आपको तो पता ही है कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने थाने का मुंह तक नहीं देखा है। अनु बेटा, ये सब एक मिनट, आप तो पूछने में ही सुबह कर देंगे। अनु, क्या हो रहा है ये सब? क्योंकि मम्मा, हमने घर जाने से मना कर दिया था, इसलिए हम सबको यहाँ लाया गया है। घर नहीं आना है? लेकिन क्यों मम्मा? हम सब तो बस वहाँ सेल्फी ले रहे थे, फिर वो ऑफिसर आए और हमसे हमारा फोन छीन लिया, हम सबको कपड़ों के लिए भी ताना मारा, हमें सबके सामने ह्यूमिलिएट किया, और आप लोग को भी फोन करके बुला लिया। हमने ऐसा क्या कर दिया था मम्मा जो वो सर ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया? फोटो लेना, वीडियो निकालना, ये कोई गलत काम तो नहीं है ना? क्यों पापा, ये क्या जितने नियम कायदे कानून है ये सिर्फ हम लड़कियों के लिए है? इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जब तक वो आके माफी नहीं मांगेंगे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तेरा दिमाग खराब गया लड़की, क्या बोल रही है तू? बड़े अफसर है वो। मैडम, आपको तो पता ही है ना कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने थाने का मुंह तक नहीं देखा, और ये पुलिस वाले से माफी मंगवाएगी? बात पुलिस वाले आम आदमी की नहीं है, बात सही की है, बात गलत की है, उन्होंने गलत किया है, माफी तो उन्हें मांगनी होगी यहाँ आके। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जरा सी बात को कितना बढ़ा रही है तू? आप प्लीज बैठ जाइए। अंकल, ये बात जरा सी नहीं है, आप ही लोग कहते हैं ना कि अगर गलत को ना रोका जाए तो वो और बढ़ता जाता है, तो हम सब भी बस एक गलत बात को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, आप तो पूछने में सुबह ही कर देंगे। अनु, अभी के अभी मेरे साथ घर चल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आखिर किसी को तो इसके अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ेगी, किसी को तो रोकना पड़ेगा, आखिर कब तक हम लड़कियों का ये भेदभाव होता रहेगा? आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा मम्मा। आखिर कब तक हम लड़कियां इस तरह की सोच का शिकार होती रहेंगी मम्मा? ये बदलना चाहिए, और किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना मम्मा। तो हम सब बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो ऑफिसर आके हमसे माफी मांगे, वरना हम घर नहीं जाएंगे। बस बहुत हो गया तेरा। एक मिनट, प्लीज प्लीज आप लोग जरा शांत हो जाइए। देखिए, वैसे भी ये लोग जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, रतन सिंह, वो शहर में नहीं, कल सुबह आएंगे। वो जब आ जाएंगे तो हम उनसे बात करेंगे और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग प्लीज घर जाइए, आराम करिए, हम हैं यहाँ। अरे मैडम, आपको तो पता ही है कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी है, और मेरी बच्ची इस तरफ पूरी रात थाने में रहेगी। हाँ तो महिला पुलिस थाना है, और हम जबरदस्ती नहीं रोक रहे हैं आपकी बच्चियों को, वो खुद रुकना चाह रही है, और हम सब हैं यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, जाइए।
देखिए, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब तक ये बच्चियां यहाँ पर हैं, हम में से कोई भी घर नहीं जाएगा। हम पूरा वक्त इनके साथ ही रहेंगे और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कल सुबह तक हम इन सबको सही सलामत घर पहुंचा देंगे। सो प्लीज रिलैक्स और घर जाइए, हम सब हैं यहाँ। मैम, हम आप पे बिलीव करते हैं, हम अपने बच्चों को आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। ओके, अब आप तीनों बाहर, बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं। क्या? अच्छा ठीक है, चीता संतोष बाहर जाइए, मीडिया को संभालिए एंड मेक श्योर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना खामा का राय का पहाड़ बन जाएगा। क्लियर? क्लियर मैडम सर। जाइए। आइए संतोष जी। एक जाओ। मासूमियत की पुतली है बेचारी, गजब संतोष जी। पुष्पा जी। जी मैडम सर। फोन लीजिए तीनों का। लाओ। देख रही हैं आप, ये है आजकल के बच्चे। बस हर वक्त हाथ में फोन दे दो, फोन के बिना तो ऐसी हालत हो गई जैसे जलबिन मछली। हर वक्त बस फोन फोन और फोन। उठाइए उठाइए। हाँ, काम काम का हो सकता है ना। काम हम करेंगे, जाके उठाइए। हेलो। I love you. तुम सच्ची सच्ची बोलना, you miss me ना? तुम्हारी तो नहीं नहीं वो हमारी सहेली का फोन है, ऐसे ही बात करते हैं उसके साथ। शीला का फोन है। शीला, अर्ज किया है सबने, ब्राइट ब्राइट ख्वाहिशें, लाइट लाइट मोहब्बत को पहुंचे मेरी प्यार भरी गुड नाइट, आई लव यू पुष्पी। देखो तुमको तो ना पता नहीं है तूने किसके साथ पंगा लिया है बेटा, हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखा। छठी का दूध ना याद दिला दिया ना तुमको, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, समझे? रखो रखो। चैलेंज, सच्चे आशिक को चैलेंज। ओके डन, चैलेंज एक्सेप्टेड। परसों बर्थडे है ना तुम्हारा, तुम्हारा ये चाहने वाला खुद तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आकर अपने हाथों से तुम्हें केक खिलाएगा। तुमको कैसे पता परसों हमारा बर्थडे है और हमें चीज केक बहुत पसंद है? तुम क्या हमें चीज केक खिलाओगे? हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखाओ, तुम्हारा एक हाथ मरोड़ के तोड़ के ना दूसरे हाथ में रख देंगे, समझे ना? जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, मैं आ रहा हूँ। आई लव यू पुष्पी। कहा चल रहा है कौन? पहले तो हमको लगा हमारी सहेली का फोन है, कोई और था। तो मत बाटा कीजिए ना जगह जगह अपने नंबर। कुछ चाहिए? हमने बाटा नहीं था, तभी फालतू के फोन आ रहे हैं। पता नहीं कैसे फोन आ गया हमें। आ ही गया, अब क्या करें? बैठिए। अच्छी जगह। वैसे जूनियर होने के नाते तो आपको आना चाहिए था, पर मर्द होने के नाते हमने सोचा हम ही आ जाएं। सुना है कल आप लोग थाने में ही थे, कोई घर ही नहीं जा पाया। हमने तो आपसे कल ही कहा था मत पड़िए इन लड़कियों के पचड़े में। लापरवाह माँ बाप की बेपरवाह लड़कियां हैं, इनके चक्कर में पढ़ के क्यों अपना और थाने का टाइम वेस्ट करना है, बताइए। माफ कीजिए सर, लेकिन इतना आसान नहीं। उन लड़कियों का कहना है कि जब तक आप उनसे माफी नहीं मांग लेते वो थाने में ही रहेंगे। क्या? माफी नामा रतन ठाकुर से? जी सर, उनका कहना है कि आपने बिना वजह बिना किसी गलती के उनके साथ मिसबिहेव किया और इस बात की आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। बिना वजह? अरे दिमाग खराब हो गया इन लड़कियों का, इतने बेहूदे कपड़े पहनकर बेढंगे तरीके से पब्लिक प्लेस में ये ऐसी हरकतें कर रही थी और कहती है कि बिना वजह परेशान किया। सर 9:30 बजे आधी रात तो नहीं होती, और किसे क्या कपड़े पहनने चाहिए ये उनकी पर्सनल चॉइस है,
उन लड़कियों ने कुछ गलत नहीं किया सर, वो बस वहाँ सेल्फीज ले रही थी, थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, और ये तो उनका अधिकार है। अच्छा, अब आप रतन ठाकुर को अधिकार बताएंगी? वैसे किसने दिया उनको ये अधिकार? हमारे संविधान ने सर, हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, और उनके इस हक को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है सर, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। समाज के नियम कायदों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना मैडम? बनाने वाले ने हम दोनों के बीच की संरचना अलग अलग बनाई है। औरत और मर्द के बीच में जो फर्क है ना, ये प्रकृति का नियम है, और ये नियम हमें मानना ही होगा। पर कहां, आप भी तो एक औरत ही हैं, आपको कहां समझ में आएंगी ये बातें? प्लीज समझाइए सर। खूब समझती हैं आप, सब समझती हैं औरतें, खूब अच्छी तरीके से जानती हैं मर्द और औरत के बीच का बुनियादी फर्क, फिर भी अनजान बनकर बराबरी का झंडा उठाए फिरती हैं। अब जानती हैं ना, ये हो ही नहीं सकता, औरत मर्द के बराबर कभी हो नहीं सकती, औरत को औरत की मर्यादा में ही रहना चाहिए, इसी में प्रकृति का सम्मान है, वरना उन्हें भूलना नहीं चाहिए, इस प्रकृति ने जानवर भी पैदा किए। और रतन ठाकुर क्यों माफी मांगे, किया क्या है मैंने उनके साथ? कोई गाली गलौज की, बदतमीजी की, क्या मिसबिहेव किया? दिल से सम्मान करते हैं हम महिलाओं का, हमारे घर में भी बच्चियां हैं, इतने प्यार से इनको समझाया था कि ऐसे कपड़े पहनकर इतने बेहूदे ढंग से ऐसी हरकतें पब्लिक प्लेस पे नहीं करते। घर जाइए, माता पिता परेशान हो रहे हों, उस वक्त एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को जो करना चाहिए था ना वो हमने किया, इसके लिए हम उनसे माफी मांगे। वैसे कितने साल हो गए आपको फोर्स में? 8 साल सर। 8 साल, 26 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ड्यूटी पर, रोज देखे हैं ऐसे तमाशे, रोज टकराती हैं ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियां, ऐसी लड़कियों की बातों में आकर आप अपने सीनियर से बदसलूकी कर रही, अपने सीनियर का माफीनामा चाहती? हेलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ। माफी तो आपको मांगनी होगी सर। क्या? जी हाँ, खासकर कि अब जब हमने आपका औरतों को लेकर आपके महान विचार सुन लिए, तो अब तो आप माफी मांगेंगे। और नहीं मांगी तो? भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो? हम अच्छे से जानते हैं सर, इसलिए अब आप माफी जरूर मांगेंगे, बच्चियों को जस्टिस मिलेगी। चैलेंज कर रही हो? एक्सेप्टेड, निकलवा के दिखाओ माफीनामा हमसे, देखते हैं कितना दम है महिला पुलिस थाने में। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय हिंद। जय हिंद। किसने कहा तू रात को नहीं है सेफ? अंधेरे से डर मत, उसे बाहर फेंक, अरसे का धुआं है, आंख तो जलेगा, तू बस नजरे उठा और घूर के देख। वाओ, किसने लिखा ये? दरअसल ये हमने नहीं लिखा है, ये हमारी मैडम सर ने लिखा है, वो बहुत अच्छी पोएट है, और थाने के लिए उन्होंने ये जिंगल लिखा है। जी वाओ, आइडिया, मुझे लगता है हमें ना ये वीडियो शूट करना चाहिए, ये तो इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा। नहीं एक्चुअली Yes. मुझे भी लगता है ये वीडियो बिल्कुल शूट होना चाहिए, है ना? हाँ। गजब है ना, बनाना चाहिए ना। काबा कहती चल रहा है यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे भी यही काम करना है जो वहाँ पर करती थी, वीडियो शूट करेंगी आप थाना में, और घर में आपके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं उसका का। क्यों, क्या हो गया करिश्मा सिंह? जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। एक बात। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। एक बात बताओ, अगर ये वीडियो शूट करना हुआ तो कैसे करोगे? उसके लिए चाहिए मुझे मेरा फोन। हमें अपना अपना फोन। हाँ। वेरी स्मार्ट। पुष्पा जी फोन दीजिए। एक ही मिलेगा। रेडी हैं आप लोग? जी हाँ, तो एक्शन। एक मिनट। अरे क्या हुआ? कहा? बापरी बाप। अंधेरे से डर मत, उसे बाहर फेंक, अरसे का धुआं है, आंख तो जलाएगा, तू बस नजर उठा और उसे घूर के देख। कैसे देख पुष्पा जी? घूर के देख। बहुत अच्छा था पुष्पा जी, गजब। पुष्पा जी, हाँ? पुष्पा जी सबके साथ करते ना, सबके साथ भी करते हैं।
3, 2, 1, एक्शन। किसने कहा रात में तू नहीं है सेफ? अंधेरे से डर मत, उसको बाहर फेंक। अरसे का धुआं है, आंख तो जलाएगा। तू बस नजर उठा और घूर के देख। दिखा दिखा। मैडम सर, आपको नहीं लगता केस कहीं का कहीं और जा रहा है ना? मतलब इनके माँ बाप है वो घर पर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब केस कहीं से सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। हो जाएगा, केस भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इन सब के मन में पुलिस और कानून के लिए वो विश्वास फिर से पैदा करना जो जो रतन सिंह जैसे पुलिस वालों की वजह से खो गया है, उनकी हरकतों की वजह से। एक बार देखिए उनकी तरफ, देखिए कितने खुश, बेपरवाह और आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं, जैसा कि इस उम्र में बच्चों को होना चाहिए। फिर वही इमोशनल ट्रिप। नहीं कुछ नहीं मैडम सर, हाँ वाकई। गाड़ी रोक। बांके आ जा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं सर। बांके इस लड़के को गाड़ी में डालो, चलो। सर सर सर, प्रॉब्लम क्या है सर? क्या किया इन्होंने सर? सार्वजनिक प्लेस पे अश्लीलता फैला रहे हो और पूछ तो किया क्या है? What? अपने पापा का नंबर बताइए। सर ये क्या कर रहे हैं आप सर? नंबर सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, एक बार हमारी बात तो सुनिए। एक बार आपके पिताजी से बात कर लें, फिर आपकी भी सुन लेंगे। नंबर सर? नंबर बताओ जल्दी। 9819। क्या नाम है पापा का? कैलाश। हाँ जी, कैलाश जी बोल रहे हैं। पापा को तो मालूम नहीं कि पापा की परी क्या गुल खिला रही है, हैं? बाके इसको गाड़ी में डाल। चले। सर हमारी बात तो सुनिए सर। सर सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। क्या नहीं कर सकते? अरे बाके डाल यार इसको। नहीं सर, सर ये गलत है सर। मैं महिला पुलिस को बुलाती हूँ, SHO हसीना मलिक को बुलाती हूँ मैं। उनके रहते आपकी ये धांधली नहीं चलने वाली। हसीना मलिक, अरे आप क्यों कष्ट करती हैं, हम ही लगा देते हैं फोन। यही है सर। जय हिंद सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर और आपके इस पब्लिक हैरेसमेंट की चश्मदीद गवाह। क्या चल रहा है? जी सर, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि किस तरह से आप बेवजह इनोसेंट लोगों को पब्लिकली परेशान करते हैं। 30 मिनट है आपके पास। अगले 30 मिनट में आप उन तीनों लड़कियों के नाम माफीनामा लिखकर पेश करेंगे। जय हिंद सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है और आपके इस पब्लिक हैरेसमेंट की चश्मदीद गवाह। क्या चल रहा है? जी सर, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि किस तरह से आप बेवजह इनोसेंट लोगों को पब्लिकली परेशान करते हैं। वो तीन लड़कियां वो अब तक थाने में बैठी हैं इस इंतजार में कि कब उन्हें जस्टिस मिले और कब वो फाइनली अपने घर जा पाए। 30 मिनट है आपके पास। अगले 30 मिनट में आप उन तीनों लड़कियों के नाम माफीनामा लिखकर पेश करेंगे, कहेंगे कि ये सारी गलती आपकी है और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना सर, तो बेकार में बात बढ़ जाएगी, थाने का, हम सब का टाइम वेस्ट होगा और मीडिया को तो आप जानते ही, बेवजह डिपार्टमेंट का बक्कल उखाड़ देगा। 30 मिनट है सर।
जय हिंद। बहुत जल्दी में हूँ हसीना मलिक, तेज रफ्तार बहुत घातक होती है, जानती नहीं हो अभी तुम हमें। बताते हैं तुम्हें क्या चीज है रतन ठाकुर। हाँ पंडित जी, पाए लागू, सब कुशल मंगल। एक छोटा सा कष्ट देना था आपको। वैसे मानना पड़ेगा कि हमारे कहने पर आपने लास्ट मिनट पर भी इतना अच्छा नाटक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। बहुत सही फंसाई रतन ठाकुर को मैडम सर आप। ऐसे आदमी को काबू करने का ना बस यही तरीका है। क्यों संतोष जी? तरीका चीते जो भी हो, मैडम सर जो है वो हर केस तजुर्बे से सॉल्व करती है। ये बात तो सच है। चलो अच्छा हुआ ना, अब रतन सिंह का माफीनामा भी आ जाएगा, बच्चियों को मनचाहा इंसाफ भी मिल जाएगा और ये यहाँ से चली भी जाएंगी अपने अपने घर। चाहे जो भी हो, फाइनली जीत सच्चाई की हुई। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर हसीना दीदी। And be mad. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! क्या बात है पुष्पा जी, आजकल फोन बहुत आपका बज रहा है। नवाब साहब, भक्त। नहीं नहीं, वो तो, और अगर बज भी रहा है तो आपको क्यों जलन हो रही है? हाँ तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए ना जो हमारा लल्ला आपको बार बार फोन करके पूछे कि चीकू कैसी हो तुम, हमारा बंटी कैसा है, बबलू कैसा है, मुनिया कैसी है, चिंकी कैसी है, चिक्कू पुक्कू लल्लू टुट्टू कैसे हैं ना, मतलब पूरे मोहल्ले के बच्चों के बारे में लल्ला हमसे फोन करके काय पूछेंगे? नहीं नहीं, हम मोहल्ले के बच्चों के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम तो आपके और हमारे लल्ला के बच्चों के बारे में कह रहे हैं ना संतोष। पुष्पा जी देख। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कहिए। ये आपके लिए मैडम। मैम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या है ये? FIR का कॉपी है मैडम सर। क्या? हेडक्वार्टर से ऑफिशियल मेल आया मैडम सर, आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी है। व्हाट? ना मैडम सर, इतना ही नहीं, आप पे और भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपने इन लड़कियों को फेवर करने के लिए रतन ठाकुर के खिलाफ केस सेटअप किया है, उसे पब्लिक हैरेसमेंट के झूठे केस में फंसाने का कोशिश किया और उसे ब्लैकमेल भी किया है। और इन लड़कियों पे भी चार्जेस लगाए हैं, सड़क पर तय सीमा से अधिक आवाज में म्यूजिक लगाकर नाच गाना, शहर की शांति भंग करना, लोगों को परेशान करना, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। ये सब गलत है, हमें झूठा फंसाया जा रहा है। आपने ली थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों की, ये निभाइए, झूठे केस में हमारे बच्चों को फंसा के। थाने में सीनियर की कदर वदर है कि नहीं है? जैन सर। जैन सर। जैन सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, महिला थाना जनपद लखनऊ। अरे बैठ जाओ भाई, यहाँ कैसे? सर वो कहा है कि। अरे बैठिए बैठिए जी, धन्यवाद। अरे हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं जी। अब बताइए आप कैसे आना हुआ? नहीं सर, हम आज SI की हैसियत से नहीं आए हैं, वो पुलिस विभाग हमारा एक परिवार की तरह है और आप उस परिवार के बड़े सदस्य हैं, आप बस यूं समझ लीजिए कि उस परिवार का एक छोटा सदस्य आपके सामने एक फरियाद लेकर आया सर, आप समझ रहे हैं? क्या बात है। अरे देखना भाई, आज सूरज पूरब से ही निकला है ना, आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रही है करिश्मा सिंह, उस दिन तो बड़ा कड़क बोल रही थी। नहीं 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 सर, वो कहा है ना कि हमारा फिटिंग थोड़ा ऐसा है ना कि गलत फहमी हो जाती है लोगों को, आप सर आप हमारे बड़े हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं सर। मुद्दे पर आइए SI करिश्मा सिंह, कहना क्या चाहती हैं? सर जैसे कि हमने कहा कि हम पुलिस विभाग एक परिवार की तरह है और परिवार में थोड़ा बहुत। अरे मैडम को चाय वाय पिलाइए। नहीं नहीं धन्यवाद सर, चाय नहीं पीते हम।
अच्छा खैर बताइए आप क्या कह रही थी। हम ये कह रहे थे कि परिवार में खटपट चलता रहता है सर, वो कुछ व्यक्तिगत नहीं होता है, आप समझ रहे हैं बात को। तो अगर छोटों से कुछ गलती हो जाता है तो बड़ों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। आप वो कहावत तो सुने होंगे ना सर, बड़न को जचे क्षमा और छोटन को उत्पात। सर बस ऐसा ही है, कुछ जो भी गलती हुआ है आप माफ कर दीजिए। आपने जो मैडम सर पर आपने जो इंक्वायरी बिठाया है, अगर आप उसे वापस ले ले तो क्या है कि आप जो भी कहते हैं वो हो जाता है ना, तो सर आप देख लीजिए। वो विद्युत पंडित जानते होंगे आप। अरे भाई राजनीति के पुराने और घाक खिलाड़ी हैं। उनका फोन आया ना, आपके खिलाफ बोल रहे थे, आपके खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई हो और उन लड़कियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आप तो अच्छी तरह से समझती है कि वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे थे। जी सर जानते हैं, रतन ठाकुर। उन दोनों का बहुत ही पुराना रिश्ता है, फैमिली रिलेशन है, इसीलिए वो खुल के रतन ठाकुर का सपोर्ट कर रहा है और दोनों की महिलाओं के प्रति विचारधारा एक ही है। और आपकी लड़ाई गलत सोच रखने वालों से नहीं है, गलत सोच रखने वाले पावरफुल लोगों से है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा मेरे मालिक कि हमेशा इन सब पचड़ों में आपका महिला थाना ही क्यों बढ़ता है। देखिए सर, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम उन लड़कियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर उन पर गिरफ्तारी जैसा ढब्बा लग गया तो फिर उनकी जिंदगी, उनका करियर, उनका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर। इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार तो हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, जानकर खुशी हुई कि हसीना मलिक को खुद से ज्यादा फिक्र उन लड़कियों के भविष्य की है। जाकर कहिए मैडम हसीना मलिक से, उन लड़कियों को यहाँ लेकर आए, हाथ जोड़कर कान पकड़कर हमसे माफी मांगे और कहें कि लड़कियों के बर्ताव में कमी थी, हमारी सोच में नहीं। मामला खत्म, हम इंक्वायरी वापस ले लेंगे। और हाँ, माफीनामा लिखित में। करिश्मा सिंह, तुमको बहुत भारी पड़ेगा सीनियर पे हाथ उठाना। हम बस सीनियर होता है सही रास्ता दिखाने के लिए, अपना घटिया और बेहुदा सोच दूसरों पे थोपने के लिए नहीं होता है। तुम कितना घटिया इंसान हो ये तो हम उसी रात जान गए थे, लेकिन कुछ किए नहीं, क्योंकि लिहाज कर लिए ना आपका वर्दी का और आपके पद का, लेकिन आज वो लिहाज नहीं करेंगे। ऐसा तोड़ेंगे ना आज तुमको कि जब जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सना देखा। ये महिलाओं को सपने देखने की बड़ी बीमारी है। नहीं 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 सर, हम तो बस आपकी बात पर थोड़ा विचार मनन कर रहे थे। जाइए फिर, बताइए अपने एसएचओ हसीना मलिक को हम क्या चाहते हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और हाँ, जो भी जवाब हो मैसेज कर दीजिएगा। जी सर। करिश्मा सिंह, मैडम सर हमने आपसे कहा था कि उन लड़कियों के हाँ में हाँ मत मिलाइए, बाद में देखा जाएगा जो होना होगा। अब सारा डंडा बिगड़ गया है मैडम सर। हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी रतन सिंह से मुलाकात हुई, क्या कहा उसने? हाँ हुआ मैडम सर, मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा अगर आप उनके सामने जाकर उन लड़कियों को साथ ले जाकर हाथ जोड़कर कान पकड़कर उनसे माफी मांगेगी ना, तब वो मानेंगे। उनको लिखित में जब तक देंगी ना कि ये जो पूरा गलती है ना मैडम सर, ये लड़कियों के व्यवहार का है, उनका घटिया सोच का नहीं है, तब वो मानेंगे। मैया कसम, अगर वर्दी का लिहाज नहीं किया होता ना मैडम सर, लेटा के धोते उसको। ठीक है, हम मांग लेते हैं माफी। का? हाँ करिश्मा सिंह, अगर हमारे माफी मांग लेने से ये सारा टंटा खत्म हो जाता है तो फिर मांग लेते ना, माफी तो है। ये
क्या कह रही है मैडम सर, आप समझ रही हैं आप? करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि मगरूर और नशे में चूर इंसान से तकरार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। और उस रतन सिंह के सामने हम इन लड़कियों को कभी नहीं झुकने देंगे। बदले में अगर हमें अपने गुरूर को झुकाना पड़े तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम मांग लेंगे माफी। नहीं मैडम सर, ये गलत है मैडम सर। आप पहले तो आप उन लड़कियों को विश्वास दिलाती हैं कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, इस लड़ाई में आप उनके साथ हैं, और अब आप खुद ही रतन के सामने माफी मांगने जा रही हैं। नहीं मैडम सर, आप हीरो हैं, सिर्फ उन लड़कियों की नहीं, आप हमारी भी हीरो हैं। अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर झुक जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर, आप समझ रही हमारी बात को? हम करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त का तकाजा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उन लड़कियों का फ्यूचर, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा, और आप अच्छे से जानती हैं कि एक बार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गई तो उनका करियर, फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा करिश्मा सिंह। और वैसे भी एक असली हीरो अपने गुरूर के आगे हमेशा किसी और की जिंदगी को ही रखता है। उन लड़कियों की जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। जय हिंद। निकलवा के दिखाओ माफीनामा हमसे, देखते हैं कितना दम है महिला पुलिस थाने में। आप हीरो हैं, अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर छुप जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। बैठिए। शुक्रिया। क्या लेंगे? कुछ खाने पीने के लिए? वैसे अगर आप भी आई रतन ठाकुर के मामले में कोई फेवर मांगने के लिए आई हैं, तो भूल जाइए। अपने सीनियर से माफीनामा मांगकर जो गलती तुमने की है उसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी है, जिसे हम वापस नहीं लेंगे। लेनी भी नहीं चाहिए सर, अब गलती की है तो उसका खमियाजा तो भुगतना ही होगा। वैसे भी पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करना बेवकूफी की बात है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम पीआई रतन ठाकुर से माफी मांग लेंगे। पता था आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप कितनी जहीन महिला है। बिल्कुल सही फैसला किया है आपने, बिल्कुल सही फैसला। सर दरअसल हम यहाँ कुछ और मामले में आपसे बात करने आए। जी कहिए। सर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने हमारे महिला पुलिस थाने के लिए एक जिंगल लिखा था, जिसे आप ही ने अप्रूव किया था सर। हाँ, 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 याद है हमें, याद है। हाँ तो सर दरअसल हम सोच रहे थे कि अगर उसी जिंगल पर एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए और लोगों में पेश किया जाए तो हमारे शहर की महिलाओं में, लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए जो भरोसा है वो और बढ़ जाएगा। और हम अगर ऐसा करते हैं तो इतना अच्छा वीडियो अगर आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के सपोर्टर के थ्रू अगर रिलीज किया जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी ना सर, क्या लगता है आपको? अरे क्यों नहीं, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट तो एमएलए विद्युत कुमार इज ऑलवेज रेडी। थोड़ा जल्दी। अब ठीक है सर? अरे तो ठीक है, किसी भी समय रख लीजिए उद्घाटन। हाँ।
हम हाजिर हो जाएंगे. सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम तो आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं. ठीक है सर, फिर हम चलते हैं. शुक्रिया. जय हिंद. जय हिंद. वैसे हसीना जी. जी सर. हमारे ख्याल से हमारा एक आइडिया है कि अगर आप मीडिया को भी आमंत्रित कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रचार जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा. ये काम तो आसानी से हो गया, आगे के खेल के भी सारे मोहरे ऐसे ही सही जगह बैठ जाएं तो बाजी अपनी. वाह सर, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, शुक्रिया. जय 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 जय. जीते, इकबाल और बदनाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं. फिलहाल तो आप ही दिख रही हैं पुष्पा जी. हटिए ना, बदनाम हो गया है उधर मार्केट में, लोग को चाय पिला के शमशान घाट बना दिया, सब लोग मर गया उधर. तो फिर इकबाल कहाँ है? अरे इकबलवा गया है अपने चाचा के दोस्त के माँ के बहन की बेटी का ऑर्डर लेने. बिरयानी का? नहीं नहीं संतोष, संतोष बिल्कुल भी नहीं. बिरयानी का नहीं, मेकअप का. यस सुनो तो, पता है पुष्पा जी, हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, हाँ. वो हमारे 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 जन्मदिन की बस ऐसे तैयारी करके रखते थे. लल्ला के पापा अब इनके स्वर्गीय पति. ओह तो पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? लल्ला के पापा जो थे ना, वो ऐसे हमारे जन्मदिन पे ना, लल्ला के पापा ऐसे ही स्टूल पे चढ़ के ना, आप मत चढ़िए. हाँ वो बस दिखा रहे थे ना उन्होंने क्या किया, ऐसे स्टूल पे ऊपर चढ़ के ना ऊपर झंडिया लगा रहे थे कि क्या कि स्टूल टूट गया और लल्ला के पापा. पुष्पा जी संभालिए, पुष्पा जी आज ही खर्च हो जाइएगा आप. और फिर टूट गया केक. नहीं नहीं केक को तो हम सब ने लपक लिया, बचा लिया उसे. मगर लल्ला के पप्पा वो जो गिर गए ना, उनकी चार फसलियां टूटी और पैर में दो फ्रैक्चर्स आ गए. फिर क्या, फिर काटना पड़ा. कहा बात कर रही है पुष्पा जी, एक मिनट. लल्ला के बाबूजी का टांग काटना पड़ा. नहीं नहीं चीते, लल्ला के बाबूजी का टांग काट देते तो लल्ला कहाँ से होता. संतु जी बापरे, संतु लल्ला के पप्पा का पैर काटने का और लल्ला का पैदा होने का क्या मतलब है? हाँ नहीं नहीं पुष्पा जी, जैसे वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाते, आपका ध्यान रखते, तो मैं ऐसे आ रही दौड़ भाग के ऐसे आ रही थी. हाँ वो तो पता, हमको तो लगा कि लल्ला. सुनो तो, हमारा जन्मदिन. लल्ला के पप्पा ने कहा कि जब तक हम केक नहीं काटेंगे ना, हम अस्पताल में भर्ती होंगे ही. हाँ फिर क्या, मजबूरन केक काटना पड़ा, उसके बाद जाके वो अस्पताल में भर्ती हो गए. पुष्पा जी आपके और लल्ला के पापा की जितनी भी यादें हैं वो इतनी दर्दनाक कैसे हैं? माँ कसम वो यादें हैं पगली, और यादें ऐसी होती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी. पता है तुमको, आज भी जब हम लल्ला के पापा को याद करते हैं ना, हमारे अंदर से काते अंदर से देख रहे थे. गजब हो गई थी फोन बजा. हम आप साहब हेलो. हाँ हाँ आप बात कीजिए ना, वो सहेली कपूर है, बात करते हैं, आप बात कीजिए. मरोगे बेटा तुम, एक दिन मरोगे, जिस दिन हमारे हाथ लग गए ना तुम मरोगे. तुम्हारे सीने में ना हम गोली मार देंगे, तुमको ऐसे तड़पा तड़पा के मारेंगे ना कि तुम जिंदगी भर याद रखो कि हमारा नाम पुष्पा सिंह है. ऐसी हो मेरे रंग में रंगने वाली, भरी हो या परी हो की रानी, कौन सा रंग पसंद है तुम्हें हा? बताओ ना, ताकि उसी रंग का केक खिलाया जाए तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर. मुझे तो तुम्हारे जुओ की तंगी का रंग भी पता है जानो, ये तो फिर भी तुम्हारा जन्मदिन है. बताओ ना कौन सा रंग पसंद है तुम्हें हा? मैडम सर को क्या जरूरत है ये सब करने का, वो लसन रतन ठाकुर, उसके आगे झुकने का क्या जरूरत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है. अगर हमें केस दिया होता ना, हम अपने तरीका से इसको निपटाते और बताते उसको, लेकिन नहीं, मैडम सर को अपना जज्बातों का पीपरी बजाना है, वो तो बजाएंगी ना. मतलब हम बात कर रहे हैं, तुम इग्नोर कर रहे हो हमको. मतलब तुम आ रहे हो? क्या पता आ भी चुका हूँ, तुम्हारे आस पास कहीं मौजूद हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ. सच्चे आशिक जबान के पक्के होते हैं पुष्पी, अब तो चाहे कयामत भी आ जाए, एक तो तुम्हें मैं खिला कर जाऊंगा अपने हाथों से,
I love you, Pushpi. तो मैडम सर का स्पीच है, आखिर चल का रहा है मैडम सर के दिमाग में। श्री विद्युत पंडित जी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री विद्युत पंडित जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम SHO हसीना मलिक महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ इस वीडियो लॉन्च में आप सबका स्वागत करते हैं, खास करके हमारे MLA साहब माननीय विद्युत पंडित जी का, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और यहाँ पर आए। ये वीडियो जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक सोच है, एक विचार है, एक क्रांति है जो हमारे MLA साहब ने ही शुरू की। ये इन्हीं के विचार हैं, ये इन्हीं की सोच है जिस पर हम महिलाओं को ही नहीं बल्कि सारे देशवासियों को फक्र होना चाहिए। काश काश कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस इनकी तरह हो पाते। तो आइए देखते हैं वीडियो। अरे इतनी रात में कहाँ चली? किसने कहा रात में? तू नहीं है सेफ, नहीं है सेफ। अंधेरे से डर मत, उसे बाहर फेंक फेंक फेंक। अरसे का धुआं है, आंखें तो जलाएगा जलाएगा। तू बस नजर उठा और घूर के देख। तू बस नजर उठा और घूर के देख घूर के देख। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। किसी के कोई सवाल? हसीना मैडम, इस वीडियो में जिस गहराई और प्रेरणादायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये किसने लिखा है? ये भी कोई पूछने की बात है? इन्हीं के शब्द है, इन्होंने ही लिखा है। विद्युत पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई सवाल? आप इतना अच्छा लिखते हैं, हमें तो पता ही नहीं था सर। ये वीडियो और कॉन्फ्रेंस हमारे पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। जी बस लिख लिया करते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत। नारी उत्थान, नारी सुरक्षा, नारी अधिकार हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। जब तक हम हैं किसी भी माँ बहन बेटी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई समाज का ठेकेदार आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे जीना है कैसे रहना है। अरे आपका अधिकार है, आप जैसे मर्जी रहें जैसे मर्जी जिए। बोलिए जय जय। हमारा नेता कैसा हो? हम इस वीडियो को पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे विश्व में प्रसारित करेंगे। हम इस वीडियो को हर जगह प्रसारित करने की जिम्मेदारी लेते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि महिलाओं के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट प्रेस और पब्लिक का रिस्पांस देखकर तो हमें लगता है कि अगले इलेक्शन में आपकी जीत पक्की है। उसके लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और सर जैसा कि हमने कहा था, हम कल ही PI रतन ठाकुर जी से माफी मांग लेंगे सर। हसीना मलिक ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, उसके बाद माफी? कहीं पब्लिक में हमारी इमेज खराब ना हो जाए। कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की, आप तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, आपने जो कुछ किया है अपनी ड्यूटी के लिए किया है। माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी, PI रतन ठाकुर को। सर अब थैंक यू, अब हम क्या ही कहें। आपका फोन सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अगर आप फ्री हो तो कुछ बात करनी थी। PI रतन ठाकुर, हम आप ही को फोन करने का सोच रहे थे। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है सर। आप अभी हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी। 2 घंटे के अंदर आप उन लड़कियों के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। और हाँ, आपका माफीनामा लिखित रूप से हमारे टेबल पर होना चाहिए 2 घंटे के अंदर। आप समझ रहे हैं, आप निलंबित किए जा सकते हैं, जिस पर तत्काल अमल होना चाहिए। रखिए।
मेरे रहते काम कितना आसान हो गया। बहुत बहुत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नेता कैसा हो? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप भी इसी विचारधारा को मानते हैं ना कि लड़कियों को जरूरत से ज्यादा आजादी नहीं मिलनी चाहिए, वरना समाज का माहौल खराब हो जाता है। फिर भी आप हमको माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं? अपनी ये वाहिया सोच अपने तक ही रखिए, हम पर थोपने के कुप्रयास मत कीजिए। पीआई रतन ठाकुर, हम नेता हैं, हमारे लिए जनता का वोट बस वही खरी सोच, बाकी सब में खोट। रखिए फोन और आज के बाद फोन मत कीजिएगा, हम उठाएंगे नहीं। पुष्पा जी, अब क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों खड़ी हैं? नहीं कुछ नहीं, हमें लल्ला के पापा की बहुत याद आई। अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाएंगी। हाँ, मेरा मतलब है कि 80-85 साल के बाद आप वहां पहुंच जाएंगी ना, ऐसे आ रही थी मैं। अब वैसे मैडम सर आपको नीचे बुला रही है, वो कुछ पेपर वर्क करना था। चलो चलो। जी मैडम सर, क्या पेपर वर्क करना है? हमने आपको लाइन हाजिर करने के लिए बुलाया। सरप्राइज। मैडम सर, आपको तो याद था आज हमारा जन्मदिन है। सबको पता था आज हमारा जन्मदिन है। चलिए चलिए, केक काटते, केक काटते। हाँ, एक मिनट, मगर ये तो वो मैड, वो तीसरी कहाँ है? अनु, अनु की ना तबीयत ठीक नहीं है तो वो चली गई। अच्छा ठीक है, उसको आराम करने दो, केक काटे। यस। आंटी आपकी एज क्या है? क्या ही बताएं, अब हम जिस दिन हमारा जन्म हुआ इस चक्कर में हमें याद ही नहीं कि कब हमारा जन्म हुआ, मतलब वो, और हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता था, समझ में नहीं आ रहा आज तक कि हमारी उम्र क्या है। बस देखो तुम दोनों से कुछ एक दो साल इधर उधर, वैसे तुम दोनों हमें दीदी कह सकते, छोटी दीदी। गजब गजब पुष्पा जी, गजब। बाबू तुम लोग दूर रहो, नहीं तो कंचन निकाल लेंगे तुम लोग के साथ खेलने के लिए। मैं जीते। अरे पुष्पा जी, मैडम मैडम सर। हाँ, वो पहले ऐसे बड़ों को खिलाना चाहिए, पौधे में बड़ों को। अम्मा कहाँ हुआ लाइट? कहाँ से? अरे बदम हुआ, क्या कर दिया तुम? वहाँ देखो, वहाँ मीटर चेक करो जरा। I love you Pushpi। आ गई। पुष्पा जी, हम सुबह से कुछ नहीं खाएंगे, हमें निकलना है, ठीक है? याद है ना? जी चलिए चलिए, हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी। जय हिंद। तो सर अब आप क्या कहेंगे?
हम सारी लड़कियां औरतें इस वक्त अकेले बिना किसी मेल प्रोटेक्शन के यहाँ ऐसे घूम रही हैं। हमें तो घर पे होना चाहिए ना सर, और अब अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो सारी गलती हमारी ही होगी, है ना? ये क्या है सर? मेरा माफीनामा, यही चाहिए था ना आपको? नहीं चाहिए सर। सर हमें आपसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं, परेशानी हमें बस उस छोटी सोच से थी जो कहती है कि औरतों को रात में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, वगैरह वगैरह। सर हमारे देश में क्या गुंडे मवालियों की कमी थी जो अब पुलिस वाले भी औरतों को परेशान करेंगे? हमारा काम तो उनकी हिफाजत करना है ना सर, उन्हें महफूज फील कराना है, और हम औरतों को सिखाए कि उन्हें किस तरह से रहना है, कपड़े पहने, इसकी बजाय हम लड़कों को बचपन से ये सिखाएं कि उन्हें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनके घर की माँ और बहनों के साथ बर्ताव किया जाए वैसा ही बर्ताव उन्हें सड़क पर चलती हुई लड़की के साथ करना होगा। अगर ये संस्कार हम उन्हें देंगे तभी ये इस प्रॉब्लम का सही सल्यूशन होगा, कम से कम आने वाली नस्ल के लिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि एक अकेली लड़की समाज की जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना सर, उस दिन हमारा देश सही मायनों में कहलाएगा प्रोग्रेसिव इंडिया। हम बस यही बात आपको समझाना चाहते थे। और जहां तक बात है माफीनामे की, तो सर तो आपने इन लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। अगर आपको माफी मांगनी है तो इनसे मांगिए। बेटा हमने आपको माफ किया सर। जी आगे चल के आपको कोई भी लड़की मिले तो उन्हें खौफ मत पैदा कीजिए, उन्हें ये फील करवाइएगा कि वो अपने देश में, अपने शहर में सेफ है, आजाद है। देखिए ये हमारी हेड कांस्टेबल, लगती नहीं है पर हैं। जाइए इन्हें को रिपोर्ट लिखवाइए। जाइए जाइए जी। जय मैम। जय हिंद। माफ कीजिए। माफी तो हमारी बहू रानी को मांगनी चाहिए, वो भी हमसे। हमारे लल्ला के जीवन में आके ना उसका जीवन नरक बना के रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया उसको। सुना ही आ रहा है हमें। हाँ पता है हमको। मैं कुछ समझा नहीं भैया। ये गुत्थी तो भगवान नहीं समझ पाया, हम लोग तो फिर भी इंसान है। बोलिए बोलिए, दिक्कत बोलिए अपने, छोड़िए ये सब। मैं आया हूँ वो बंसी हलवाई के यहाँ से आए हो? इतनी देर, आधा घंटा पहले बोला था पकौड़े मंगा के रखो, हमको तुरंत खाने हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे, हमारा मुँह क्या ताक रहे हो? जाओ ऐसे जाओ। अरे भाई भाई, भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया एक मिनट। अरे एक मिनट यार, एक मिनट भाई, कहे मिमी आ रहे हो यार, कहे मिमी आ रहे हो? महिला पुलिस थाना में ना सारे समस्या का समाधान है। बैठो तुम, बैठो बैठो। गजब। अरे पुष्पा जी, इंसान रिपोर्ट लिखवाने आया है, रो रहा है, दर्द में है। अच्छा रिपोर्ट लिखवाने आए हो तो बोलो ना। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या दिक्कत है तुम्हारी, बोलो। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। यहीं से, कहीं से भी शुरू करो। एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा ना। रेगिस्तान हुए पड़े हो यार तुम तो।
अब ठीक हो? बोलो क्या दिक्कत है? क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम, मैं एक कप चाय मिलेगी? गजब यार, तुम तो फरमाइश पे उतर आए। बदनाम, अब तो बोलो क्या दिक्कत है? करिश्मा, करिश्मा जी के साथ बात करनी है। जी बताइए, ऐसा क्या समस्या है आपका जो आप हमें ही बताना चाहते हैं? मैडम, मैं इन लोग के सामने कैसे बता सकता हूँ मैडम? नहीं, क्या है ना कि मेरी ट्रेजेडी जो है बहुत ही पर्सनल है, तो इतने खुले में खुलकर और खुला नहीं जाएगा मैडम। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? हम समझ रहे हैं आपकी बात को। चाहिए आप सब लोग अपना काम कीजिए। अरे आपको कुछ चाहिए? पुष्पा जी काम कीजिए। रोना बंद कीजिए, अपना समस्या बताइए। ऐसा क्या समस्या हो गया जो आप हमें ही बताना चाहते हैं? मैडम, मेरी बीवी मुझे रोज आधा घंटा कूटती है, रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कचरा कर देती है, और जब मैं कोई आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे धमकी देती है कि ज्यादा फुदके ना तो घरेलू हिंसा के इल्जाम में फंसा कर झूठा केस कर दूंगी, लाइफ बर्बाद कर दूंगी तेरी मनहूस। आप बात कर रहे हो बे? देखिए, बहुत उम्मीदों से यहाँ पर आया हूँ। मैंने काफी सुना है इस थाने के बारे में। मुझे इंसाफ चाहिए मैडम। मुझे अपनी पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा का केस करना है। नाम का है? रूपा। अभिनव, अभिनव जसूजा। संतु। हाँ मैडम। कोई सुन रहा है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो हमने इतनी जोर से आवाज लगाया तो आवाज तो देंगी ना। हाँ, वो नहीं सुन रहा आपका कोई भी बात। क्या नाम? अभिनव जसूजा। सुना सा नाम लग रहा है हमको। हाँ, आपने अपने हस्बैंड से सुना होगा। आपके हस्बैंड है ना लल्ला, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। हाँ, सासू मैया के लल्ला। हाँ वही, आपकी सासू मैया के लल्ला, आपके हस्बैंड लल्ला, वो जिस जिम में वर्कआउट करने जाते हैं वो जिम मेरा है, मैं उनका पर्सनल ट्रेनर हूँ। अच्छा, अच्छा तो कुछ कहते हैं लल्ला हमारे बारे में? मैडम यही कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी सुंदर और सुशील धर्मपत्नी मिली। क्या बात कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं वो? हाँ, पर ना आजकल की दुनिया में इतने भाग्यशाली पति कहाँ मिलते हैं। मुझे को देख लीजिए, बैठा हूँ आपके सामने, पत्नी का मारा। जी धन्यवाद बहुत। पर उन्होंने कभी बताया नहीं कि आपको ऐसा पर्सनल लेवल का इतना दिक्कत चल रहा है, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। मैडम मैंने तो उन्हीं को नहीं बताया तो वो आपको कैसे बताएंगे। और देखिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये बात उनसे मत बताइएगा प्लीज, क्योंकि क्या है ना, अभी तो बात घर में है, लेकिन जब लोगों को पता लगेगा कि जिम वाला बंदा अपनी पत्नी से रोज आधा घंटे तबीयत से कूटता है तो कौन आएगा मेरे जिम में। और वैसे भी हम पत्नियों से पिटने वाले पतियों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ना हम रो पाते हैं, ना किसी को अपना दुख बता पाते हैं, क्योंकि क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में मजाक हमारा ही उड़ेगा ना मैडम। देखिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए और मेरी पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। हो ही नहीं सकता। देखा मैडम, ये लोग सुन रहे थे मेरी बातें। देखिए सेक्शन 498A घरेलू हिंसा के तहत सिर्फ महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले में ही केस दर्ज किया जा सकता है। पुरुषों के लिए हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। एक मिनट, क्या कहा इन्होंने कि कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता? क्या मतलब कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता? मतलब एक पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाए तो जेल, और पत्नी पति को रोज आधा घंटा तबियत से कूटे तो गिल्ली डंडे का खेल। वाह मैडम, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना,
सबूत चाहिए ना आप लोगों को। ये देखिए। ये देखा आप लोगों ने, उसने गुस्से में गर्मा गर्म प्रेस खींच के मारी मुझे, पूरी पीठ जला दी मेरी। तो भैया भाभी को भी ठीक से बताना चाहिए था ना कि जो टी शर्ट होता है, शर्ट होता है, उसको उतार कर प्रेस करना चाहिए, ऐसे पहना के ऐसे प्रेस कर। मैडम ये तो सिर्फ एक नमूना है, जब से मेरी शादी हुई है ना यही सब सहता आ रहा हूँ, हर रोज मर मर के जीता हूँ, तंग आ चुका हूँ इस जहालत भरी जिंदगी से। और ये कहती है कि इनके कानून में कोई प्रावधान नहीं है। वाह मैडम वाह। ना पुष्पा जी कुछ तो सोचिए, कुछ तो धारा होंगी, कानून होगा इस अपराध के लिए। नहीं है ना। नहीं है तो फिर हम अभी बना देते हैं नया धारा और उठाकर लाते हैं उसको अभी। स्किप। नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। हमें आपको कितनी बार समझाना होगा कि एक थाना है, कोर्ट नहीं। हमारा काम है तहकीकात करना, फैक्ट्स कलेक्ट करना और फिर उन्हें कोर्ट में पेश करना। कौन सही है, कौन गलत है और कौन गुनहगार है, ये तय करना कोर्ट का काम। इसलिए प्लीज आप अपना काम करिए और तहकीकात शुरू कीजिए, ठीक है? जी। पुष्पा जी। जी मैडम सर। घरेलू फौजदारी का केस लिखिए। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता मैडम सर के तरीका से कुछ होने वाला है, लगता है हमें ही कुछ करना होगा।